क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बोट की तरफ से नई स्मार्ट वॉच लॉन्च हो चुकी है, बोट एक्सटेंड टॉक। सो लेट्स टॉक अबाउट द वॉच। इसकी जो प्राइस है दैट इज 3000 रुपीज। इनमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बेस्ट बाइंग लिंक्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। सो प्लीज हाई बोलते हुए जाना सब्सक्राइब बटन को। डब्बा तो हम खोलते नहीं इस चैनल पे, डायरेक्टली बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। सो लुक एंड डिजाइन की बात करें तो डायल काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है एंड स्ट्रैप की क्वालिटी भी अच्छी है। स्ट्रैप बहुत ही सॉफ्ट सिलिकन मटेरियल से बना हुआ है, बट एट द सेम टाइम मुझे इसकी लेंथ थोड़ी छोटी लगती है। मुझे ऐसा लगता है इसकी लेंथ थोड़ी और लंबी हो सकती थी। वेल नो इशू, ये स्ट्रैप आप रिमूव कर सकते हो, बेसिकली डिटैच कर सकते हो एंड आपके हिसाब से आपको जो भी स्ट्रैप पसंद है उसको लगा सकते हो। डायल की क्वालिटी अच्छी है, बट वो थोड़ी और स्लिम होती तो और बेटर होता ऐसा मुझे फील होता है। राइट साइड में आपको वॉच का बटन मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, माइक सेंसर सब इसी डायल में एंड काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लाइक बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये काफी बढ़िया है। डिस्प्ले की बात करूं तो 1.69 इंचेस का HD पैनल है एंड काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। सो अगर सूर्य देवता बहुत ज्यादा मेहरबान है आप पे और ब्राइटनेस लेवल उनकी टॉप नॉच पे है, तब भी आपको इस घड़ी में सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी आराम से। लेकिन हाँ, कलर्स थोड़े और सैचुरेटेड होते तो आंखों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। वैसे आंखों को और भी अच्छा लग सकता है अगर आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो प्लीज। सो ओवरऑल ले देखे एक अच्छी डिस्प्ले है, ट्रांजिशन थोड़ी और स्मूथ होती तो डेफिनेटली और मजा आता, बट एक बड़ी डिस्प्ले है जिसमें आपको हर चीज इजिली विजिबल है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड डिस्प्ले। कमिंग टू द टच रिस्पॉन्स अच्छा है, बट ट्रांजिशन जैसा कि बता चुका हूँ थोड़े और स्मूथ होते तो यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था। यूजर इंटरफेस की बात करूँ तो वो काफी ज्यादा ईजी है, लाइक बहुत ही ईजिली आप समझ जाओगे कि कौन सी सेटिंग कहाँ पे है। सो इसको यूज करना ईजी है। ब्लूटूथ रेंज की बात तो ब्लूटूथ की रेंज अच्छी है, लेकिन हाँ अगर आप 2-3 BHK में रहते हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बीच बीच में कनेक्शन ब्रेक होगा। और अगर आपका घर नहीं बंगला है देन तो डेफिनेटली कनेक्शन में ब्रेक आपको दिखेगा। IP68 की सुख सुविधा मिल जाती है, इसका मतलब आप इसको पहन के नहा सकते हो एंड ऑब्वियसली क्योंकि IP68 है तो स्विमिंग मोड तो दिया ही है, मतलब स्विमिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फीचर्स की अगर बात करूँ तो हार्ट रेट सेंसर है, SpO2 सेंसर है एंड VO2 मैक्स सेंसर है। देखो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर ये सभी को मालूम होता है क्या होता है क्योंकि बहुत ही कॉमन है। VO2 जो मैक्स सेंसर है वो क्या होता है, बेसिकली आप कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते टाइम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो वो आपको प्रिसाइजली ट्रैक करके बता देता है। सो इट्स अ गुड फीचर टू हैव। और एक और फीचर इसमें मिल जाता है जो आपको बताता है आपकी एम्बियंस में कितना ज्यादा नॉइज है, मतलब आप जिस भी एनवायरमेंट में हो उधर कितना ज्यादा शोर है। एंड ये फीचर मुझे इसलिए पसंद आया, कभी कभार आप बहुत ज्यादा शोर में होते हो एंड शायद आप बहुत ही ज्यादा एक्वेंटेड हो तो ये वॉच आपको बता देगा कि कितने डेसिबल तक की आवाज आपके लिए अच्छी है, मतलब आपके इर्द गिर्द में जितनी भी आवाज है वो कौन सी लिमिट तक आपके लिए अच्छी रहेगी एंड डेफिनेटली ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे। और एलेक्सा दीदी भी मिल जाती है, सो उनसे गुफ्तगू करो, बातें बातें करो, आपको रिप्लाई देंगी एकदम अच्छे से प्यार से, मजा आता है बात करके, देखो अच्छा लगता है। एक्टिविटी मोड्स भी दिए गए हैं, ऑब्वियसली यार स्मार्ट वॉच है एक्टिविटीज मोड तो मिलने ही चाहिए। 60+ एक्टिविटीज मोड हैं, लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग या पलाटेस, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीजें मिल जाती है। और वॉकिंग और रनिंग के लिए ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब आप इसको पहन के चल रहे हो या दौड़ रहे हो अपनी सिमरन के पीछे सब पता लगा लेगा ये। बाकी इसमें टॉर्च वाला फीचर भी मिल जाता है, जो डेफिनेटली आप टॉर्च की तरह हमेशा यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो और ये हेल्पफुल रहेगा। फर्दर इसमें फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन भी मिल जाता है, विच इज अगेन अ ग्रेट फीचर टू हैव। और म्यूजिक को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक चेंज कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर सकते हो, सो ये भी काफी ज्यादा हैंडी फीचर है। वॉच फेसेस की बात करूँ तो आपको 100 से ज्यादा वॉच फेसेस मिलते हैं जो आपको इसके ऐप में मिल जाएंगे, बोट वेव, एंड उस ऐप के थ्रू आप वॉच फेसेस को इस वॉच में इंस्टॉल कर सकते हो और अपने हिसाब से आप लगा सकते हो जब भी आपका मन करे। बाकी बहुत लोगों का सवाल आता है 3000 रुपए के कॉलिंग का फीचर मिलता है कि नहीं, डेफिनेटली मिलता है। 20 कॉन्टैक्ट आप इस घड़ी में सेव कर सकते हो, डायलर मिल जाता है, कॉल लॉग मिल जाता है, फेवरेट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आपके कुछ चहेते कॉलर्स हैं तो आप उनको सेव कर सकते हो। बाय द वे माइक की क्वालिटी अच्छी लगी एंड स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी लगी, डेफिनेटली इनसे कॉलिंग की जा सकती है। बट हाँ, जो वॉच है वो इतनी दूर रखना आप कम से कम, ज्यादा दूर ले जाओगे तो जो दूसरा इंसान है जिसे बात कर रहे हो वो आपको बोलेगा या बोलेगी की आवाज दूर से आ रही है, क्योंकि जितने भी स्मार्ट वॉचेस आते हैं कॉलिंग फीचर के साथ उनकी माइक की क्वालिटी इतनी खास लगती नहीं। इसमें लेकिन माइक की क्वालिटी अच्छी है और स्पीकर्स की क्वालिटी तो है ही अच्छी। और हाँ, अगर आप एक फीमेल हो आप अपने पीरियड्स को इसमें ट्रैक कर सकते हो, सो वाला फीचर भी आपको मिल जाता है। फर्दर बात करते हैं इन सारे फीचर्स को संभालने के लिए बैटरी कितनी मिलती है। अगर आप इसको नॉर्मल टू मीडियम लेवल पे यूज करते हो विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग एनेबल्ड, देन आपको 8 से 10 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग को एनेबल करके यूज करते हो तो आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप
रहता है। देखो बैटरी बैकअप आपके यूज़ पे डिपेंड करता है, अगर आप हार्ट रेट सेंसर को ऑटो पे नहीं रखोगे मैनुअल पे रखोगे देन बैटरी बैकअप बढ़ जाएगी, ऑटो पे रखोगे तो वो अपने हिसाब से हर घंटे या हर आधे घंटे या हर 15 मिनट में हार्ट रेट मेजर करता रहेगा, बैटरी चूसता रहेगा। सो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, आपके हिसाब से बैटरी बैकअप ऊपर नीचे होती रहती है। सो जो रेंज है वो मैंने आपको बता दी। और हाँ, बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे के करीब लगते हैं इसको चार्ज करने के लिए, एंड जो वायर है वो तो ऑब्वियसली घड़ी के साथ मिल जाती है। और इनका जो ऐप है बोट वेव, इसको आप यूज़ करके बहुत सारे ट्वीक्स कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन को आप ऑन कर सकते हो, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है इस वॉच में। सो ले देखे काफ़ी सारे ऑप्शन है इस वॉच में। एंड एक चीज़ और, इफ़ यू आर वंडरिंग कि इस स्मार्ट वॉचेस में जितने भी सेंसर्स हैं क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी काम करते हैं, क्या हमारी चेयर को जिंदा कर देंगे हार्ट रेट दिखा के? नहीं, मैंने इसको थरली यूज़ किया है एंड कोई भी सेंसर किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे काम नहीं करता है। सो दोस्तों, ये था पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों को रिव्यू पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक देना। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छा लगता है, करके देखो, मज़ा आएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।